गुड मॉर्निंग गाइस। और आज अपने ट्रिप का जो है वो पहला दिन है। कल ट्रेन से यहाँ पे आए हैं। अभी सबसे पहले जो है वो है बाइक रेंट पे लेंगे और यहाँ से हम जाएंगे कोलवा बीच। अगला स्टे जो है मैंने वहीं पे लिया हुआ है और वहाँ पे जाके ही रहेंगे और फिर शाम को चिल आउट करेंगे। और अभी पेट्रोल भराने के बाद नई बाइक पे हम जाएंगे कोलवा बीच। सुनने में आया है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बीच है। चलिए देखते हैं। बीच का तो पता नहीं लेकिन ये वे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है और बुलेट चलाने का इस रोड पे आए हाय मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ से बीच जो है वो बस 1 किलोमीटर दूर है। और आपको पता है जब हम बीच के आजू बाजू में आने वाले होते हैं, बीच जब आने वाला होता है तब है ना अचानक से ठंडी हवा जो है ना वो शुरू हो जाती है। तब अपने को पता चलता है कि नहीं अब बीच जो है वो ज़्यादा दूर है नहीं। तो बस वही ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे बीच से जो है वो अपने पास आ रही है और हमें बुला रही है कि भाई बस अब जल्दी से जल्दी आ जाओ। और मैं बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि यार ये बीच जो है कैसा लगेगा। आई होप लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा क्राउड तो ना हो, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते। गोवा है हमेशा क्राउड तो यहाँ पे रहता ही है, सीज़न हो ऑफ सीज़न हो कुछ भी हो, लेकिन क्राउड तो आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो अकेला ही आया हूँ यहाँ पर अगर ग्रुप के साथ हो तो जीप चलाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। महिंद्रा थार या जीप ग्रुप के साथ आए तो इसका मज़ा ही कुछ और है गोवा में। हाय हाय, फुल ऑन गोवा की वाइब्स आ रही है। बहुत सारे कैफेज अलग अलग दिख रहे हैं और होता है यहाँ पे पार्क करके हमें जाना पड़ेगा या तो नहीं। ओहो, समुंदर के दर्शन हो गए, क्या व्यू लग रहा है कोलवा बीच का। चलो बॉस, यहाँ पर हम पार्क कर देते हैं अपनी गड्डी। सो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अभी हम बीच पहुँच गए हैं। कोविड की वजह से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन और ये वैसे भी ऑफ सीज़न है, अप्रैल के महीने में इतनी पब्लिक तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है। चलिए चलते हैं। सबको ये रेकमेंड करूँगा कि एक बार आप कोलवा बीच ज़रूर आओ, बिकॉज ये बीच बहुत ज़्यादा हैपनिंग है एंड यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। मारगोवा स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स है एंड आई ट्रूली ट्रूली रेकमेंड कि आप कोलवा बीच प्लीज़ प्लीज़ विज़िट करना। बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है और यहाँ पे जो पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है कम्पेयर टू अदर बीचेज इन नॉर्थ गोवा लाइक बागा बीच और कैलिकूट। उससे काफ़ी ज़्यादा क्लीन वाटर आपको यहाँ पे मिलेगा और शैक्स भी बहुत ज़्यादा पीसफुल है, इसीलिए यहाँ पे आना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, टोटली बहुत।